दर्शक बंधु जनसंख्या को नहीं जातिसंघ तरफ एक रिपोर्ट सद्यतम प्रकाश होइछि। प्रतिवर्ष एभली रिपोर्ट जारी करा जाय थाय 2024 रो जनसंख्या को नहीं एक प्रकार रो रिपोर्ट एथिरे किछि चकित विषयवस्तु भारत को नहीं चीन को नहीं पाकिस्तान को नहीं पाश्चात्य राष्ट्र को नहीं आफ्रिका को नहीं आदि इत्यादि संबंध रे किछि रोचक तथ्य उजागर करिछि जातिसंघ। एथिरे जदि गुटे शब्द कहा जाय कि प्राय 2062 पर्यंत भारतर जनसंख्या पाखापाखि 170 कोटी पर्यंत पहुंची जीव एवं 2063 परे परे भारतर जनसंख्या रे द्रुत मात्रा रे ह्रास घटिबा आरंभ हेब। वर्तमान जदि आमे भारतर जनसंख्या को देखिबा ताहले पाखापाखि एहा 145 कोटी बोली कुहा जाउछि एवं पड़ोसी राष्ट्र चीन रे 141 कोटी जनसंख्या रहिछि। चीन रो जो वर्तमान विडम्बना विषय हला कि यहाँ जनसंख्या एबे खसिबारे लागिछि। पाखापाखि प्रत्येक विवाहित महिला जो कन्या संतान जन्म करुछन्ति यहाँ बर्थ रेट शतकड़ा 2 रे भी सीमित हो रहुनाही यहाँ कम रहुछि एवं जो संतान जन्म कथा कहा जाउछि एहा चीन रे हेई पारु नथिबारु जनसंख्या ह्रास एक रास्ता रे चीन चलिबा आरंभ कलाणि। संगीन परिस्थिति सेमिति दक्षिण कोरिया रे कहा जाऊ जापान रे कहा जाऊ एथिरे मध्य द्रुत गति रे जनसंख्या कमिबा लागिगलाणी। जातिसंघ रे जदि आमे रिपोर्ट को देखिबा ताहले सर्वोच्च जनसंख्या भारत द्वितीय रे चीन एवं तृतीय रे अमेरिका रहिचे एवं एही तालिका रे पाकिस्तान 5 नंबर रे रहिचे। किंतु जातिसंघ रो एही रिपोर्ट रे कहा जाइचे कि 2052 सुद्धा पाकिस्तान विश्वर 3 नंबर तम जनसंख्या बहुल देश हेइ जिवो। अर्थात पाकिस्तान रो जनसंख्या 2052 पर्यंत प्राय 38 कोटी रे पहुंची जीवो जहाकि अमेरिका को पछरे पकाई दबो पाकिस्तान। एवं सबुठु बड़ प्रसंग एठारे कि जातिसंघ रो जो रिपोर्ट को आधार करी एक कथा कहा जाइछि एही रिपोर्ट आधार मध्य एमिति जदि आमे देखिबा ताहले प्राय पाखापाखि भारतर जो जनसंख्या कहा जाउछि 2062 पर्यंत 170 कोटी रे पहुंचिबो एवं 2062 रे जेतिकि जनसंख्या थिबो एथिरे प्राय 2,22,000 लोक जोड़ी होई जिवे जनसंख्या रे। किंतु 2063 बळकु प्रथम जनसंख्या भारतर कमिबारे लागिबो जहाकि हबो 1,15,000 सेमिति 2064 मसिया रे 4,37,000 2,065 मसिया रे 7,93,000 एवं सेमिति 2066 बळकु प्राय भारतर जनसंख्या द्रुत गति रे कमिबा आरंभ हेबो। एवं जातिसंघर एई रिपोर्ट को मध्य यदि अनुध्यान करा जाए ताहले एहा सबुठारु एथिपई चकित जे जनसंख्या गुटिए तळरे पर्यायक्रमे बढ़िबा एवं अन्य स्थळरे पर्यायक्रमे कमिबार जो अनुशीलन इतिमध्यरे जेउंभळी विवर्तन देखा दैछि एही विवर्तन रे संभवत पाश्चात्य राष्ट्र माने मध्य आगकु चली असुविधार सम्मुखीन हबे बोली जातिसंघ कहिछि। तबे जातिसंघर ए जनसंख्या को नै रिपोर्ट सबठारु रोचक प्रसंग हला कि 2024 रु 2054 मध्यरे प्राय डबल बोली कहा जाउ। 54 मसिया रे जदि केउ अंचल रे सर्वाधिक जनसंख्या को रेकर्ड करा जिवो ताहा हेउची आफ्रिकन देश एवं एबे वर्तमान जो आफ्रिका अंचल रो जनसंख्या को देखिबा कि बर्थ रेट को देखिबा ताहले संभवत एथिरे प्राय महिला माने 4 संतान जन्म करिबा र देखा जाउची। भारत कथा जो देखिबा प्राय 2 संतान रे सीमित रहतुवा बोली आफ्रिका देश रे संतान जन्म होतुवार प्राय जो व्यवधान एवं संख्या को देखिबा ताहले प्रत्येक परिवार रो महिला प्राय 4 संतान जन्म करछन एवं लगातार एही जो क्रम बढ़िबार अछि खास करि जातिसंघर रिपोर्ट अनुजाई 2054 पर्यंत 9 देश रे जेमतिकि अंगोला हला सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक हला कंगो हला नाइगर हला सोमालिया हला एही भली देश रे बर्थ रेट रे अहेतुक वृद्धि देखा जीवो। एवं गोल मोटोल हिसाब रे जदि देखा जाए जातिसंघ कहिछि कि सारा विश्वर जनसंख्या 2000
83 पर्यंत प्राय 1000 कोटी टपिजी। वर्तमान विश्वर जनसंख्या 800 कोटी अच्छी एवं मोटामोटी भाव यह 83 मसीहा पर्यंत जदि देखा जाए ताहले विश्वर जनसंख्या 1000 कोटी ऊर्ध को टपिजी। एवं सबुठ बड़ कथा है जो 100 देशर एथिरे उल्लेख करा जाए रिपोर्ट रे एथिरे कहा जाए कि जो वर्किंग फोर्स अच्छी अर्थात श्रम करिबार ताकत धरा जाऊ युवक मानक भारतर तो 15 वर्ष 64 वर्ष गोटे आयु निमें कर्मक्षम एम काम करेंगे जातिसंघ रिपोर्ट रे 20 वर्ष धरा जा 20 वर्ष 64 वर्ष मध्य प्राय 100 देशर तालिका करिछि जनसंख्या को देखि जातिसंघ जो थे भारत मध्य सामिल रही किंतु से बेल पर्यंत अर्थात भारत कथा जाऊ 2062 अनेक लोक वृद्धत्व आड़क गति करेंगे एवं जनसंख्या रे ह्रास घटवा देखा मिल जहाँकि युवा पीढ़ी बोली जहाँ कहा जाए इथिरे मध्य एक परिवर्तन स्रोत देखा बोली जातिसंघ तरफ कहा जाए। तापूर्वर लगातार आम इटाली कथा कह जापान कथा कह दक्षिण कोरिया कथा कह चीन कथा कह भली जो देश गुड़िक रही एबुठार ही युवपीढ़ी संख्या कमिबा आरंभ हो एक नूतन बर्थ रेट रे ग्रो करूना अर्थात जन्म जो भली भाव हवा कथा से भली जन्मित संतान ठारे देखा जाऊना अंपटे बार्धक्य को धीरे धीरे प्राप्त होता लोकों संख्या बढ़िबारे लगी एवं एभली परिस्थिति ए जो देश मानक देखा मिली यह 2062 सुधा क्यों स्थिति रे थिबे ताहा मध्य एक कल्पना बा चिंता करा जिबार विषय वस्तु बोली मध्य जातिसंघर एही रिपोर्ट रे उपस्थापित होईछि। एवं सेते बेलकु पहुंची थिबा युवा पीढ़ी को एबुठारु ही कर्मक्षम कराइबा एवं देश विकास रे युवशक्तिर योगदान को आहुरी केमिति मजबूत करिहेब जे देश माने आगु को जनसंख्या बहुल देश हेबे मानकर जनसंख्या बढ़िब से मध्य जातिसंघ कही कि एबुठारु देश निजर अर्थनैतिक विकास स्रोत रे कर्मक्षम युवापीढ़ी को अधिक रु अधिक जदि सुजोग देव एथिरे निजुक्त करिब ताहले संभवत आगु को चली देश एक विराट अर्थनैतिक एवं मजबूत देश रे परिणत हो पारिब। तेणु मोटामोटी भाव जनसंख्या को नहीं 2024 जो रिपोर्ट आकलन करतीकी बेलू अर्थात 2062 बेलू विश्वर श्रेष्ठ जनसंख्यार देश भारत थी एवं अन्य देश मानक तुलन बहु अधिक जनसंख्या बहुल देश हिसाब से भारत बर्षर ना 62 वर्षिया पर्यंत गति कर रिपोर्ट जमापड़ी। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com DTV ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।